हेलो स्टूडेंट, कल आप लोगों को पढ़ाया गया था वर्ग 16 के तत्वों का अध्ययन, और आज तीसरा वीडियो है जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वह अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित कैसे करता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन जो होता है अन्य तत्वों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, इसका कारण है, पहला कारण है आकार में जो होता है छोटा आकार होता है, छोटा आकार। कल आपको बताए थे कि कैसे छोटा आकार होता है, सबसे पहला तत्व तो है वर्ग 16 का, इसलिए इसका आकार छोटा होगा, बाकी सब जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं आकार क्या होता है बढ़ता जाता है। दूसरा है ऊंच विद्युत ऋणात्मकता, इसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है सबसे ऊंचा होता है। आपको बताए थे कि जैसे जैसे इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है घटता जाता है, तो घटेगा तो सबसे ऊंच क्या होगा ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तीसरा जो है इसके संयोजी सेल जो होता है, संयोजी सेल में तलावे से लिखे, संयोजी सेल में रिक्त डी ऑर्बिट, रिक्त डी ऑर्बिटल का अनुपस्थिति, यानी इसके संयोजी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसकी परमाणु संख्या 8 होता है जो डी ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इसमें तीन कारण हैं, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता और संयोजी सेल में डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति रहता है, और तीनों कारण से क्या क्या भिन्नता होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला इसका पॉइंट है भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि जो भी तत्व है वो ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है, यही भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था तीन होता है, ठोस, द्रव और गैस, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बताए थे कि ऑक्सीजन जो है इसका आकार छोटा होता है, और इसके अंदर जो अंतरनाविक अणु होता है उसके अंदर वो कमजोर वांडर वाल्स बल कार्य करता है जिसके कारण यह गैस है। तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है गैस है और बाकी जितने शेष तत्व हैं वो ठोस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है परमाणुता। इसके पहले आप जान चुके हैं कि ऑक्सीजन जो होता है द्विपरमाणुक होता है, और सल्फर जो होता है अष्टफलकीय, यानी अन्य जितना भी तत्व है अष्टफलकीय यानी अष्ट परमाणु होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द्विपरमाणुक क्यों होता है, कल बताए थे द्विपरमाणुक होने का कारण है कि इसमें पी पाई ओवरलैपिंग होता है जिसके कारण यह द्विपरमाणुक बनाता है, और बाकी जो होता है वह सब पी पाई ओवरलैपिंग नहीं करता है, जिसके कारण S8 जैसे सल्फर हो गया तो इसका S8 हो गया, सेलेनियम हो गया तो SE8 ऐसे बनता जाता है, ठीक है। तो परमाणुता में भी क्या होता है भिन्नता होती है। तीसरा है, तीसरा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन बंधन। ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ऊंच होता है जिसके कारण यह हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाता है। अब चलते हैं जल में, H2O, जल का सूत्र होता है H2O में क्या होता है कि H2O में यानी जल में
ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसके कारण जल क्या है, हाइड्रोजन बंधन, सल्फर जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसके कारण यह गैस है। परीक्षा में पूछा जाता है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, कैसे? रीजनिंग का सवाल है, पूछा जाता है। एक लाइन में आंसर होगा, नंबर खूब बढ़िया मिलता है, ठीक है। इसलिए आप लोग बड़ा सवाल का आंसर करने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको कम बनाइए और अधिक नंबर पाइए। जैसे मैथ में जितना सवाल सही है खूब नंबर मिलता है, उसी तरह इसका रीजनिंग अगर 4 रीजनिंग हम बना देते हैं तो फुल नंबर मिलेगा एकदम, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि H2O में यानी जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसके कारण H2O द्रव है, जबकि H2S में सल्फर हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जिसके कारण H2S क्या है, गैस है। इसका मेन कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है, कभी भी कॉपी साइन किया जाता है तो उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि विद्यार्थी को कंसेप्ट मालूम है कि नहीं। मेन इसका कंसेप्ट है हाइड्रोजन बंधन बनना नहीं बनना, मेन यही ना है कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट पर ध्यान हम रखेंगे, दिमाग में सेटिंग रहेगा कि हाइड्रोजन बंधन के हिसाब से द्रव और गैस होता है, तो इसको अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। उसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था में आप लोगों को बता दिए थे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था में बताए थे कि इसमें डी ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं रहता, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिट प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण इसका संयोजी सेल का विस्तार नहीं हो पाता है, यानी अधिक इलेक्ट्रॉन साझेदारी नहीं कर सकता है, जिसके कारण ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है, ठीक है। और शेष सभी तत्व जो होता है उसमें डी ऑर्बिट ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण उसके संयोजी सेल का विस्तार होता है। तो जिस तरह विस्तार होता है उसके हिसाब से इसका ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता घटता है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था +2, +4 और +6 होता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिट के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, कहीं 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कहीं 4 और कहीं 6, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण में फिजिक्स में आप लोगों को बहुत अधिक पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में 2 ही चीज़ है। चुंबकीय गुण में केमिस्ट्री में आपको देखा जाता है कि डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक में आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता है यानी जोड़ा नहीं लगता, ऑन पेयर रहता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है तो वो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ये कैसे होता है इसको देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s2 2s2 2p4, और ये हमारी संयुक्तता होगी, वैलेंसी 6 हो रहा है, ठीक है। और इसको हुंड के नियम से विस्तार करते हैं, ऑर्बिट बनाते हैं, ये ऑर्बिट हो गया 2s2 के लिए, सबका ऑर्बिट बना देते हैं, देखिए 1s2 2s2 और p के लिए 3 ठो ऑर्बिट रहता है, 2p4 है। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं, है कि नहीं। जैसे भोजन करते हैं, रोटी खाना है तो 4 रोटी एक बार खा जाते हैं, नहीं खाते हैं, उसके लिए क्या होता है कि एक एक रोटी खाकर तब जाके 4 रोटी ख़त्म होता है। उसी तरह पढ़ाई भी है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इतना बड़ा पोथी पढ़ लेते हैं, एक दिन में कोई कह दे कि पोथी ख़त्म कर दे तो होगा ख़त्म, नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना। इसमें भी क्या होता है कि एक एक करके, एक ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्बिट है तो एक हो गया, फिर ये 2 हो गया, उसी तरह इसमें भी 1
दो, और इसमें चार है तो पहले एक एटो, एक दो तीन, और ये हो गया चार। इसमें हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, पारा मैग्नेटिक होता है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह पारा मैग्नेटिक। बाकी जो शेष तत्व तो है उस सब में पेयर इलेक्ट्रॉन यानी जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है,